धर्म संस्कृति का विकास भी आवश्यक। वही स्थिति है महाराज श्री राजा उग्रचर जी के, नित्य प्रति मंदिरों में जाकर के दान दक्षिणा आदि दे करके प्रजा को संतुष्ट रखते थे, प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और उनकी इस प्रकार की गति को देख करके महाराज श्री देवराज इंद्र जी प्रसन्न हो गए। महाराज श्री देवराज इंद्र जी प्रसन्न हो गए और जब देवराज इंद्र जी प्रसन्न हुए तो देवराज इंद्र ने राजा उपरिचर को भेंट स्वरूप स्फटिक का एक विमान दिया। स्फटिक क्या है? जो उन्हें माला है या पहने, तो स्फटिक का जो विमान था उस विमान की विशेषता जानते हैं क्या था? वो विमान कभी नीचे नहीं उतरता था, यानी धरती पर नहीं रहता था, वो नित्य प्रति गगन में ही उड़ता रहता था और राजा उपरिचर उसी पर बैठ करके नित्य प्रति भ्रमण करते रहते थे। ये स्थिति क्या हुई? एक बार राजा उपरिचर की जो पत्नी थी जिनका नाम था, जो राजा उपरिचर की पत्नी थी, उन्होंने क्या किया कि अपने पति से पुत्र की कामना की। राजा उपरिचर के 5 पुत्र थे लेकिन फिर भी उनकी पत्नी ने राजा उपरिचर से पुत्र की कामना की और जब तक उन्होंने पुत्र की कामना किया तब तक क्या हुआ, गुरुदेव जी के यहां से संदेश आ गया कि आपको तत्काल वन में जाकर के शिकार खेलने जाना है। ये स्थिति क्या हुआ? राजा उपरिचर जंगल में शिकार खेलने के लिए तो चले गए लेकिन अंतेमति सहगति, जहां से आप जिस समय हटते हो वहां पर जो दिमाग में रहता है वही चलता रहता है। इहे लिए कही थे कि जब कथा सुने आओ तो घर के बाद घरें छोड़ ही आओ, जब हियां से जाओ तो फिर से चिंता करो, जब हियां रहो तो बैठ के कथा के बारे में चिंतन करो और सुनो, काहे कि जब आखिरी दिन पहुंची तो हम ही पूछबे तो से सबसे कि हम का सुनायन है। हाँ पूछबे भाई, सीधा सा सीधा, ज्यादा ना पूछबे लेकिन इतना पूछ लेबे कि के कथा कहत रहा के सुनत रहा, अगर अतनो न बताए पायो तब जान लो कल्याण है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो स्थिति क्या है? राजा उपरिचर वन में शिकार खेलने के लिए चले गए, जो मन था वो घर में लगा हुआ था। स्थिति क्या हुई? जंगल में जब एक वृक्ष के नीचे बैठे शांति से सोच रहे थे, इतने में उनका तेज पुंज अस्खलित हुआ तो उन्होंने सोचा कि मेरा जो तेज पुंज है वो अमोघ है, ये व्यर्थ ना जाए। उन्होंने क्या किया, उस तेज पुंज को लेकर के एक दोने में रख करके एक बाज की तरफ देखा, देख करके उससे कहा इसको लेकर के जाकर के मेरी पत्नी को दे देना, निश्चित है उन्हें संतान उत्पन्न हो जाए। ये जैसे बाज उस दोने को लेकर के चला कहां, राजमहल जाने के लिए, तब तक एक दूसरे बाज ने देखा, उसे लगा कि शायद ये मांस का कोई टुकड़ा, तो उस दोने को देख करके मांस का टुकड़ा समझ करके जैसे दूसरे बाज ने प्रहार करना प्रारंभ किया तो जो दोना था उसके चोंच से छूट करके एक समुद्र में जाकर के जा गिरा। और जैसे दोना छूट करके जाकर के समुद्र में गिरा तो उसी समुद्र में एक अद्रिका नाम की अप्सरा रहती थी, जिस अद्रिका नाम की अप्सरा ने मछली का रूप धारण किया हुआ था मुनि के श्राप से। क्या था? महाराज श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि एक बार मुनि जी उसी जल में स्नान कर रहे थे, एक अद्रिका नाम की अप्सरा कौतूहलवश यानी मजाक करने के लिए जाकर के महात्मा जी के चरणों को पकड़ लिया। महात्मा जी तो ध्यान की अवस्था में थे जल में, और जैसे जाकर के चरणों को पकड़ा ध्यान भंग हुआ, जैसे ध्यान भंग हुआ देखा अप्सरा की तरफ और देखने के पश्चात कहा कि तुम जैसी अप्सरा इस जल में जल जीव जंतु जैसा व्यवहार कर रही हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम मछली की योनि को प्राप्त करो। ये जैसे श्राप दिया तो अद्रिका नाम की अप्सरा मछली के योनि में चली गई और जब वहां गई तो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाना प्रारंभ किया, हे प्रभु कल्याण कैसे होगा। ये जब इस प्रकार से कहा तो मुनि ने कहा कि मैंने क्रोध वश आपको श्राप दे दिया है लेकिन कल्याण जल्द ही हो जाएगा। अरे बोले प्रभु जानूंगी कैसे कि उद्धार कब होगा? बोले जब तुम्हारे गर्भ से 2 मनुष्याकार बच्चे उत्पन्न हो जाएंगे तब समझ लेना तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही स्थिति, जैसे बाज के मुख से वो दोना छूटा, छूट करके जाकर के समुद्र में गिरा, अद्रिका नाम की वो अप्सरा जो मछली के रूप में थी उसने लपक कर ले लिया।
जैसे उसने ग्रहण किया स्थिति क्या होती है, समय का कालखंड व्यतीत होता है और हुआ क्या, उस मछली को गर्भ धारण हो गया। जब मछली को गर्भ धारण हुआ तो उसी के तट पर रहता था कौन, मछुआरा। उसने क्या किया, एक दिन जाल फेंका, किस लिए जाल फेंका, मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका। संयोग बस उस दिन अद्रिका नाम की जो अप्सरा मछली के रूप में थी वही फंस गई, और जब वो फंसी तो उसको बाहर निकाला गया। बाहर निकाल करके जैसे मछुआरे ने पेट को फाड़ा तो स्थिति क्या होती है, महाराज श्री सूत जी शौनकाद ऋषियों से कहते हैं एक बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई। अद्भुत घटना कैसे घटित हुई, जैसे उस मछली के पेट को धीवर राज ने फाड़ा उस मछली के पेट से दो मनुष्याकार बच्चों का जन्म हुआ। बड़ी अद्भुत लीला और बड़ी विलक्षण लीला। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है कि आए हो मछली के पेट से बच्चों का जन्म लेना कैसे संभव है, विज्ञान तो सीधा नकार दी भाई, नकारेगा कि नहीं नकारेगा, नकार दे। लेकिन आप एक बात को अपने दिमाग में रखिएगा, कई बार ऐसे कुछ लोग होते हैं जो विज्ञान का तर्क देकर के धर्मवादी लोगों को घेरने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें एक बात बताओ, तुहार विज्ञान बहुत दिन बाद जोड़ घटाए पाइस की पृथ्वी से सूर्य के दूरी यतनी है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले बता दिया था, क्या बताया था कि जुग सहस्त्र जो जन पार भानु अलील होता हे मधुर फल जानू। ए जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लेकिन सहस्त्र युग योजन पर क्या है भानु अर्थात सूर्य। तो तुलसीदास जी के गणित लागत थे बहुत मजबूत रही, वैसे ही दूरी घटाए दी भाई। और अगर देखा जाए आज के जो लोग हैं वो समझ ही नहीं रहे हैं, शून्य की खोज अगर आज की गई थी, बहुत सारे लोग कहते हैं तो वेद में यहां ये कैसे लिखा रहा कि रावण के 10 शीश रहे, और 10 रहे तो कौन में रहे भाई।